हेलो गाइस, तो मैं आ गई हूँ गाजीपुर के सेवन हेवन में और मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए कि अंदर का व्यू कैसा है। तो चलिए फिर अंदर चलते हैं। तो गाइज, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। और अब चलिए चलते हैं। तो कैफे के अंदर एंटर करते ही हमें पहले तो केक दिख जाते हैं और उसके साथ छोटे छोटे क्यूट क्यूट से कपकेक्स भी, जिन्हें देख करके आपको लिटरली मुँह में पानी आ जाएगा क्योंकि वो इतने ज़्यादा टेस्टी और क्यूट लग रहे थे ना, मैं क्या ही बताऊँ। और गाइज, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इसके अंदर भी सिटिंग के लिए आपको दिया गया है एरिया। मुझे तो ये सिर्फ छोटी सी बेकरी शॉप लगती थी, बट नहीं यार, इसके अंदर तो कैफ़े भी है, वो भी अच्छा खासा स्पेस है इसमें, जिसमें आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो मैं अभी आपको टूर दे देती हूँ यहाँ का कि इसका एम्बियंस कैसा है, सेटिंग वगैरह, एरिया कैसा है, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप कितने फ्रेंड्स वगैरह के साथ यहाँ पे आ सकते हो या फैमिली के साथ आ सकते हो या नहीं। मुझे तो ये प्लेस सही लग रही है, डिसेंट सी लग रही है। अगर आपको जैसे कि किसी अपने फ्रेंड का या अपने फैमिली मेम्बर का बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना हुआ तो आप यहाँ पे आ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्पेस तो है काफ़ी। और छोटा सा गेट टुगेदर अगर करना हो तो आराम से किया जा सकता है यहाँ पे, तो उसके लिए तो ये प्लेस सही है। और अगर आपको ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए तो यहाँ पर एक कैबिन भी है। तो अब मैं आपको यहाँ का ना मेन्यू दिखा देती हूँ पहले तो, कि क्या क्या है और प्राइस लिस्ट कैसे कैसे हैं। देखो गाइस, प्राइस तो यहाँ पे हाई है, नो डाउट। और यार, अगर ओवरऑल कैफ़े देखें ना तो उसके अकॉर्डिंग तो ये प्राइस देखो काफ़ी ज़्यादा ही हाई है। कोई बात नहीं, देखो प्राइस कितनी भी हाई हो, बट हाँ ये है कि खाना जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो हमने मंगवाया था यहाँ पे नूडल्स, तो ये शेज़वान नूडल्स था और इसके साथ हमें शेज़वान चटनी मिली। और गाइस, सर्विस यहाँ पे थोड़ी सी स्लो है क्योंकि हमें काफ़ी देर वेट करना पड़ा था सिर्फ एक नूडल्स के लिए। और साथ में हमने सैंडविच भी ऑर्डर किया है, तो सैंडविच तो अभी तक आया नहीं, तो हमने सोचा चलो सबसे पहले, अब कोई बात नहीं, जो आ गया उसी को खाते हैं। तो हमने नूडल्स ट्राई किया और देखो, मैं सही बताऊँ तो नूडल्स जो है ना वो मुझे उतना कुछ देखने में तो ठीक लग रहा था, पर यार जब मैंने इसको टेस्ट किया ना तो जो मुझे इसका टेस्ट है वो तो उतना कुछ मुझे खास नहीं लगा। मतलब ओके ओके टाइप सा था और थोड़ा सा ठंडा भी हो चुका था। चलो ठंड का मौसम है तो हाँ ठंडा हो गया, वो तो मैं मान सकती हूँ, बट यार टेस्ट उतना ओवरऑल मुझे नूडल्स का तो अच्छा नहीं लगा। बाकी जो इसके साथ शेज़वान चटनी आई थी, तो अगर आप उसके साथ खा रहे हो तो हाँ थोड़ा बहुत ठीक लगेगा आपको, पर आप चाहो तो शेज़वान नूडल्स को स्किप कर सकते हो। देखो बाकी नूडल्स का मुझे टेस्ट नहीं पता, पर हाँ शेज़वान नूडल्स तो मुझे उतना कुछ खास नहीं लगा प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि यार प्राइस भी इसकी काफ़ी हाई थी। और मैंने गाज़ीपुर में कई जगह शेज़वान नूडल्स जो हैं वो अच्छे खाए हुए हैं, तो यार आप चाहो तो यहाँ का ये नूडल्स स्किप कर सकते हो, बाकी और नूडल्स आप ट्राई कर लेना अगर यहाँ जाना तो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि वो आप लोगों को कैसे लगे, सो दैट कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँ तो वही नूडल्स ट्राई करूँ आप लोगों के रिकमेंडेशन पे। और हाँ गाइज, मैं बहुत ही स्लो ईटर हूँ, मैं बहुत धीरे धीरे ही खाती हूँ, तो अभी तक मेरे नूडल्स जो हैं वो ख़त्म नहीं हो पाए हैं। तो चलो फिर हम ना जल्दी जल्दी से पहले तो नूडल्स ख़त्म करते, नहीं तो फिर मैं यही खाती रह जाऊँगी। तो हम लोग कब से वेट करें सैंडविच का, पर वो अभी तक आया नहीं है, तो यहाँ पर सर्विस थोड़ी सी स्लो। ओ गाइस, फाइनली काफ़ी देर के वेट के बाद फाइनली हमारा सैंडविच जो है वो भी आ चुका है, और अभी मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताऊंगी कि यहाँ का सैंडविच कैसा है। और गाइस, जो सैंडविच है यहाँ का वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो अगर आप यहाँ आए हो तो सैंडविच बिल्कुल भी मिस मत करना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। तो गाइस, बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और घर पे मुझे डांटना पड़ जाए, इसलिए मैं निकल रही हूँ अपने घर के लिए और मैं आपसे बाय। अरे वेट वेट, कहाँ चल दिए, जाते जाते थोड़ी सी टेम्पटिंग माउथ वाटरिंग पेस्ट्रीज तो देखते हुए जाओ।